Hey, what's up food editor Amit, certified sports nutrition specialist, और आज मैं बताने वाला हूँ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल्स में कीटोजेनिक डाइट क्या है, क्या कीटोजेनिक डाइट के फ़ायदे हैं, आप कैसे मेरे फ्री प्रोग्राम कीटो कट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप अंडा नहीं खाते हो, किस प्रकार की आपकी डाइट रहेगी, क्या बदलाव रहना चाहिए। क्या है आखिर कीटोजेनिक डाइट, क्या ये जादुई डाइट है? चलिए रहस्य जानते हैं। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी प्रकार की डाइट है जो बहुत ही हाई फैट कंटेंट होती है, रेशियो वाइज प्रोटीन मॉडरेट होती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर होती है। जब आप ऐसा करते हो तब क्या होता है कि बॉडी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स जो एज एनर्जी सोर्स हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सोर्स जिसे कहते हैं, बॉडी स्विच करती है कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड मेटाबॉलिज्म से फैट बेस्ड मेटाबॉलिज्म पे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप फैट बेस्ड मेटाबॉलिज्म में स्विच करते हो तब बॉडी कंपाउंड्स जनरेट करती है, ये कंपाउंड्स को कीटोन्स कहते हैं। ये जो कीटोन्स है ये रक्त के माध्यम से हमारी पूरे बॉडी में फ्लो करती है या सर्कुलेट करती है, और ये ही आपकी एनर्जी सोर्स है आपके मसल्स के लिए भी और ब्रेन के लिए भी। जब भी आप फैट बेस्ड मेटाबॉलिज्म में स्विच करते हो तब बॉडी तीन कंपाउंड्स जनरेट करती है, एसीटोएसिटेट, एसीटोन और बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। और ये क्या होता है कि ये जो कीटोन्स हैं हमारी बॉडी में फ्लो करती है, और ये जनरली ये जो कीटोन्स हैं तीन कंपाउंड्स हैं जो ये उत्पन्न होती है हमारे लिवर में, और ये तीनों जो है ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं। और दूसरी चीज़ नोट करें कि इसको ये तीनों चीज़ को कहते हैं हम लोग कीटोन बॉडीज। रियल कीटोजेनिक डाइट में कभी भी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा हुई तो कीटोन्स जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है इसमें बाधा डालेगी, और फाइनली क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ नहीं है बल्कि जब बॉडी आपकी प्रोटीन को एज कार्बोहाइड्रेट्स ट्रीट करना शुरू करती है जो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ऐसा जब आप करते हो तब क्या होता है कि आप कीटोसिस से बाहर निकल जाओगे। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अब बात करते हैं कीटो डाइट के फायदे जो बाकी डाइट में आपको शायद देखने को न मिले। जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो तब क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ती है, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ तब क्या होता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स में एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक बाधा डालती है या रेस्ट्रिक्शंस डालती है आपके फैट बर्न होने में। और जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स मील पे मील खा रहे हो फिर क्या होगा कि आपकी लगातार ब्लड शुगर लेवल भी स्पाइक हो रही है और इंसुलिन भी स्पाइक हो रही है, जिससे कि आपको फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट कीटोजेनिक डाइट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाई फैट डाइट है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऐसे ही कम है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है और आप बहुत आराम से इसमें फैट बर्न कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट यह है कि कीटो डाइट क्लिनिकल स्टडीज़ एंड रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स वगैरह, क्योंकि कैंसर सर्वाइव करती है ग्लूकोज पे, ऑब्वियसली टाइप 2 डायबिटीज़ भी, क्योंकि इस प्रकार की डाइट में हम लोग चीनी किसी भी प्रकार की इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ और भी डिजीज़ है जैसे पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, इसमें भी कीटो डाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि कीटो डाइट की मील्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है कंपेयर टू लो कार्ब डाइट की मील्स जो बहुत ज़्यादा फीका लगती है या फिर बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जब भी आप मान लीजिए आप नया ज्वाइन किए हो जिम वगैरह या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो या डाइटिंग कर रहे हो या लाइफ में कभी डाइटिंग किए नहीं हो, तो क्या होगा कि लो कार्ब डाइट मील अगर आप खाते हो तो आपको मतलब मन ही नहीं करेगा कि खाएंगे, क्योंकि टेस्ट एकदम आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप हैबिचुएटेड नहीं हो, मतलब कंफर्ट जोन में आप बाहर निकाल के पैनिक जोन में खुद को डाल रहे हो अचानक से, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है अच्छे टेस्ट खाने की। पर कीटो डाइट में क्या है कि मील्स बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और मनचाहा स्वाद आपको मिलता है, तो क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप घर का ही खाना खा रहे हो। सो कीटो डाइट क्या है कि बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। चौथा बेनिफिट ये है लॉन्ग टर्म डाइटिंग। वैसे तो कोई भी डाइट प्रोटोकॉल परमानेंट नहीं होती, तो पर कीटोजेनिक डाइट क्योंकि ऐसा है कि आप रिलेट कर पाओगे अपने घर के नॉर्मल खाने के साथ, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप घर का ही खाना खा रहे हो, कुछ हट के आप कुछ नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मान लीजिए बाहर पार्टीज़ वगैरह में गए
तो वहाँ पे आप जब भी खाना खाते हो, तेल वगैरह आप देखते हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आप कीटो डाइट की ही खाना जैसे खा रहे हो, तो आपको मेंटल एक पीस मिलता है कंपेयर टू लो कार्ब डाइट। अगर आप जब रहते हो आपको ऐसा लगे कि बाहर का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए, मेरा फैट कैसे बर्न होगा, तो आपके माइंड में इस टाइप के कुछ सवाल आ सकते हैं जो आपको और चिंता में डालेगी, जो आपको स्ट्रेस में डालेगी, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो कीटो डाइट क्या है कि आप, दूसरी बात है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से बैठ के, इनफैक्ट बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। फूड्स बहुत ही टेस्टी है, और जो जिम करते, चाहे वो करते हैं जिम या नहीं करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप ज़रूर खाना को इंजॉय ज़रूर करोगे। कीटो कट्स लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट पे बेस्ड है। अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो अब मैं बताने वाला हूँ कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो डाइट को, ताकि आप, चाहे आप अंडे खाते हो नहीं खाते हो, कोई भी ये प्रोग्राम को या कोई भी ये इसकी डाइट की प्रोटोकॉल जो है आराम से आप कैसे फॉलो कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि हर एक जन के लिए कोई भी डाइट प्रोटोकॉल बनाना या प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, कस्टमाइज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक जन की इंडिविजुअल कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अपनी खाने की स्टाइल होती है, चाहे वो वेजिटेरियन हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, एगिटेरियन हो सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। और वर्कआउट की बात करें तो हो सकता है वो बिगिनर हो, जस्ट ज्वाइन जिम कभी भी किए नहीं हो, हो सकता है इंटरमीडिएट हो या फिर सुपर एडवांस हो, तो इतने सारी चीज़ आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टेंशन होता है, कितना ज़्यादा मेहनत लगता है एक प्रोग्राम को बनाने में, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ सकते हो। और नोट करिए, फ्री प्रोग्राम है कीटो कट्स, मैंने एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं किया है, ना आगे आपको ऐसा चार्ज करूँगा, और ऐसे मेरे फ्री प्रोग्राम्स यूट्यूब पे भी आते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ये प्रोग्राम को, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस टाइप के प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मदद मिले और उनको अपना फिजिक ट्रांसफॉर्म करने का भी मौका मिले। माफ़ी चाहता हूँ लंबे लेक्चर के लिए, अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। आप कीटो एग रैप और कीटो चीज़ केक की जगह कीटो डोसा सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये मील बिल्कुल अंडा फ्री है, इसमें किसी प्रकार की अंडा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। आप कीटो बटर कॉफ़ी और चीज़ी कॉलीफ्लावर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो कैसे मैं अभी बताता हूँ। कीटो बटर कॉफ़ी में आप देखोगे कि अलग से मैंने बॉयल्ड एग आपको खाने के लिए कहा है, उसे आप एलिमिनेट कर दें तो ये मील भी आपकी एगलेस हो जाती है, मतलब अंडा फ्री हो जाती है। नेक्स्ट आपकी जो है चीज़ी कॉलीफ्लावर, आप प्रिपरेशन के समय एग वाइट्स जो है उसे ना डालें, तो अब ये भी मील आपकी 100% वेज हो जा रही है, मतलब आप बिना एग के भी इसको खा सकते हो और सूटेबल हो जा रहा है। कीटो कट्स की फुल डे रेसिपी वीडियो में ऑलरेडी मैंने कमेंट को पिन किया हुआ है अपना, जिसमें सारा कुछ जो भी अभी मैंने बताया है ये लिखा हुआ है, आप उसमें भी जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको डेडिकेटेड वेजिटेरियन कीटो डाइट की एक प्रोग्राम चाहिए, मतलब बिना अंडे की, मतलब 100% वेज, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आप सभी के लिए एक अलग से प्रोग्राम डेडिकेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, क्योंकि ये आपका चैनल है आफ्टर ऑल, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइक करें वीडियो को अगर आपको हेल्प मिली, आप कमेंट करें अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट है, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आप मेरे सोशल मीडिया फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज अमित फिजिक से कनेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ टेक केयर, दिस अमित साइनिंग ऑफ।